तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच हमास से थरथर कांपने लगा इजराइल। इजराइल के खिलाफ उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार देने का किया ऐलान। अब उत्तर कोरिया हमास मिलकर इजराइल का करेंगे खात्मा। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल को चटा दी धूल। जंग में इजराइल के 8 टैंक और 120 सैनिकों की कर दी हत्या। जंग में इजराइल को हुआ भारी नुकसान। अमेठी में चुनाव हारने के लिए बीजेपी से राहुल गांधी ने लिए थे पैसे, असदुद्दीन ओवैसी ने किया खुलासा। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हौतियों ने इजराइल पर दाग दी मिसाइल। आतंकी संगठनों से घिर गए यहूदी देश इजराइल, अब बुरी तरीके से पिटेंगे यहूदी। बीच जंग में हिजबुल्लाह ने हमास को पत्र लिखकर इजराइल को तबाह कर देने की बात। कहा हम जीत का कर रहे हैं इंतजार, अलग सा मस्जिद के लिए उठाए हैं हथियार। भारत के 8 पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ तुर्की से मदद लेगी मोदी सरकार। जल्द मोदी कर सकते हैं रजब तैयब एर्दोगान से बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के खिलाफ उत्तर कोरिया हमास को घातक हथियार देने का किया ऐलान। थर थर कांपे इजराइल अमरीका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय जंग जारी है और इस जंग में इजराइल अमरीका के साथ बड़ा खेल हो गया है। बड़ा खेल ये हो गया है कि इस जंग में उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है और उत्तर कोरिया ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल अमेरिका थरथर हमास और उत्तर कोरिया से कांप रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि साउथ कोरिया की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अफसरों को फिलिस्तीन का समर्थन करने का आदेश दिया है। साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने हथियार बेचने का भी ऐलान किया है। किम जोंग उन ने हमास को हथियार देने की बात कही है और कहा है कि हमास इजराइल अमरीका से जंग लड़े और हम उनको लगातार हथियार भेजते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने पहले भी हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर भेजे थे, जिससे 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। वहीं आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के सीधे तौर पर जंग में उतरने के बाद इजराइल और अमेरिका थरथर कांपने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि अब जंग में हमारी हार होना तय है, क्योंकि उत्तर कोरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक देश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। जंग में इजराइल को हुआ भारी नुकसान। दोस्तों आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच जंग में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि जंग में अब तक इजराइल के 120 सैनिकों को हमने मौत की घाट उतार दिया है। हिजबुल्लाह ने आगे बताया है कि जंग के बीच इजराइल के 9 मरकाबा टैंकों को हमने तबाह किया है, साथ ही एक बम बरसक ड्रोन को भी नष्ट करने का हिजबुल्लाह ने दावा किया है। आगे हिजबुल्लाह ने बताया है कि हमने 2 सैन्य वाहन के अलावा 33 रडार को इजराइल के ध्वस्त कर दिया है, इन पर हमला करके इनको खत्म कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि गाजा में जब से जंग इजराइल ने जारी की है तो इजराइल को इस जंग में नुकसान पे नुकसान हो रहा है और इजराइल की सेना कुछ भी नहीं कर पा रही है गाजा पट्टी में और उसे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बीच जंग में हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है, जिससे इजराइल और अमरीका की फिर से चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से पैसे लेकर राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों ओवैसी की पार्टी एएमएम पर आरोप लगाया कि एएमएम पार्टी भाजपा से पैसे लेती है और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करती है। और अब इसी मामले को लेकर एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछा है कि उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के लिए कितने पैसे बीजेपी से लिए। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए और क्या इन्होंने पैसे लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता हूँ, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन मैं पार्टी किसी से ही पैसे नहीं लेता हूँ। और राहुल गांधी ने जो एमआईएम पार्टी पर पैसे लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग में अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने गाजा पट्टी के मुसलमानों का किया समर्थन। इजराइल पर बोला बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना
खन्ना की एंट्री हो गई है। ट्विंकल खन्ना ने फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन करते हुए इजराइल पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना जो अक्षय कुमार की पत्नी हैं, उन्होंने इजराइल हमास की जंग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गाजा में 3,000 से अधिक बच्चों की हत्या इजराइल ने कर दी है। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि साल 2019 के बाद से दुनिया भर में हुए विवादों में जितने बच्चे हर साल मारे गए हैं उससे ज्यादा बच्चे इजराइल ने गाजा पट्टी में पिछले 3 हफ्ते में मार दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में जो इजराइल बमबारी कर रहा है उसमें बच्चों की मौत हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया भर के देशों को सामने आना चाहिए और इस जंग को रुकवाना चाहिए क्योंकि हम ये होते कैसे दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि अक्षय कुमार अनभक्त है, उसने तो कोई बात इस पर कही नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने ये बात जरूर कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास हिजबुल्ला के बाद अब यमन के हौतियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, आतंकी संकटों से घिर गया यहूदी देश इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। अब 31 अक्टूबर को यमन के हौती विद्रोही ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार चूंकि उनका मुख्य समर्थनकर्ता ईरान है, इसलिए हौतियों की भागीदारी ईरान को हमास और गाजा पट्टी के समर्थन में युद्ध में खींच सकती है। बता दें कि फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान संगठन हिजबुल्ला, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन पहले से ही इजराइल पर हमला करते रहे हैं और अब यमन के हौती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं और इन्होंने भी इजराइल की ऐसी तैसी कर रखी है, लगातार इनको पेला जा रहा है। तो यहूदी बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं क्योंकि सभी संगठन इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल को लगा एक और झटका, एक और अरब देश ने तोड़ा इजराइल से नाता। जदोसा आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच बॉबी लिया ने इजराइल से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। चिली और कोलंबिया ने इससे पहले अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया है। लैटिन अमरीका से आने वाली ये प्रतिक्रियाएं इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों में आम जिंदगियों की तबाही के बाद आई है। वहीं आपको बता दें कि अनेक देश इस युद्ध को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल ने बोलीविया के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि ये हमास का समर्थन और आतंकियों के सामने घुटने टेकने जैसा है। तो हमास ने बोलीविया के फैसले का स्वागत करते हुए अरब देशों को ललकारा है और उसने बोलीविया के फैसले को दोहराने की अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, इससे पहले चिली और कोलंबिया ने भी इजराइल से अपने राजदूत बुला लिए हैं और इजराइल का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्ला कर रहा है जीत का इंतजार। हिजबुल्ला ने बीच जंग में हमास को पत्र लिखकर इजराइल को तबाह करने की दी फिर से धमकी। जदोसो आपको बता दें कि इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्ला ने हमास को लेटर लिखा है। हिजबुल्ला ने लेटर के जरिए हमास से कहा कि हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। हिजबुल्ला ने लेटर में कहा है कि हमारी लड़ाई इजराइल को खत्म कर देगी, हमने अलक्सा के लिए हथियार उठाए हैं। हिजबुल्ला ने फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमान का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्ला ने इजराइल के 105 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कतर में पकड़े गए 8 पूर्व 9 सैनिकों को तुर्की की मदद लेकर छुड़ा सकता है भारत। दोस्तों आपको बता दें कि खाड़ी देश कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व 9 सैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इनकी जान बचाने के लिए मोदी सरकार के पास चार रास्ते हैं, या तो वह कतर सरकार से अपील करे अथवा राजनयिक स्तर पर मामला उठाए। भारत इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटा सकता है। यदि ये सब काम ना आए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शरण ले सकता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन 8 पूर्व नौकरशाहों को छुटाने के लिए उत्तर केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम देश तुर्की से मदद ले सकती है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के कहने पर कतर इन 8 पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा को खत्म कर सकता है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम देश तुर्की से मदद लेती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुअर का दिल लगवाने वाले दूसरे शख्स की भी हुई अस्पताल में मौत। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का दूसरा शख्स जिसने जीने के लिए सुअर का दिल लगवाया उसकी भी मौत हो गई है। ये काफी एक्सपेरिमेंटल सर्जरी थी जिसके लगभग 6 सप्ताह बाद व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो गया। इस सर्जरी को अमेरिका के मैरीलैंड में 20 सितंबर को किया गया था। मैरीलैंड के डॉक्टरों ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि दुनिया का दूसरा शख्स जिसको बचाने के लिए सुअर का दिल लगाया गया था उसकी 30 अक्टूबर को मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये सर्जरी
सर्जरी 58 वर्षीय लॉरेंस फॉसेट पर किया गया था। सुअर का दिल लगाने के बाद उनका अंग ठीक तरीके से काम कर रहा था। अक्टूबर के मध्य में अस्पताल ने जानकारी दी कि फॉसेट स्वस्थ हो गए हैं, वह अब खुद खड़े हो पा रहे हैं। वह परिवार के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन 6 हफ्तों में सब कुछ गड़बड़ होने लगा।